दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी आज का जो हमारा विषय है वो है फिटिड परस्पिरेशन, यानी कि पसीने में बदबू का आना। ये एक गंभीर समस्या है, ये कोई रोग नहीं है फिर भी, लेकिन ये गंभीर समस्या है। हर जगह जो है बात कोई ना कोई टोकता रहता है कि अरे यार पसीने में तुम्हारी बहुत बदबू आ रही है, ये है वो है। तो पसीने की बदबू के लिए होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट है जो कि अन्य किसी पैथी में नहीं है। इसमें जो सबसे पहली दवाई है वो है सुराइनम। सुराइनम को 200 की पोटेंसी में दिन में दो बार अवश्य लें, नहीं तो एक बार तो लें ही। इसके अलावा जो है साइलिसिया है, साइलिसिया 30 की पोटेंसी में, 30 की पोटेंसी में इसे दिन में 3 से 4 बार लें। इन दोनों के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। और अगली जो दवा है वो है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल को भी 30 की प्रोटेंसी में साइलिसिया लेने के 15 से 20 मिनट के बाद में लें। इस तरह से अगर कुछ दिनों तक आप रेगुलर करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये पसीने की बदबू जो है चली जाए। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमेंट।